माँ सब कुछ करती है। यदि सरल विश्वास हो जाए तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि सरल विश्वास जो है ईश्वर प्राप्ति करा लेता है। ठाकुर जी बार बार कहते हैं एक जीवन में सरलता, जो लोग सरल होते हैं ना आसानी से ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड माइंड रहते हैं इफ बट लगाते रहते हैं हर चीज में, बिल्कुल जन्म जन्मांतर में भगवाला होने की आशा नहीं, क्योंकि मन ही ऐसा है उनका कि पता नहीं माँ ने ऐसे कह दिया था क्या। मैं घटना बताता हूं, ये रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने परंपरा से सुनी है। जयराम भाटी में पूरा काल में एक सज्जन झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगाते लगाते बूढ़े हो गए, एक दो दिन आए नहीं थे। जो स्वामी जी इंचार्ज थे, जो सफाई विभाग देखते थे आश्रम का, जयराम भाटी का, तो उनके मन में आया कि ये वृद्ध हो गए हैं, अभी झाड़ू लगाने में समर्थ नहीं है, असमर्थ हो गए हैं, तो इनकी छुट्टी कर देनी चाहिए, इनको कह देना चाहिए अभी आपको आने की आवश्यकता नहीं झाड़ू लगाने के लिए। तो जब ये सज्जन आए झाड़ूदार कई दिन के बाद, तो उन्होंने उनको यही बात कही, देखिए आप अभी मत आइए, झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं, हम दूसरा आदमी यंग जो झाड़ू अच्छे से लगा सकता उसको रखेंगे। ये झाड़ूदार रोने लगे, तो स्वामी जी को लगा कि शायद इनकी नौकरी चली गई है इसलिए रो रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो नौकरी जाएगी नहीं आपकी, आपको तनख्वाह घर बैठे देते रहेंगे, लेकिन आप झाड़ू लगाना बंद कर दें कृपया। ये फिर भी रो रहे हैं। अब स्वामी जी को डाउट हुआ, अभी क्यों रो रहे हो, क्योंकि नौकरी आपकी जा नहीं रही है और फिर भी आप रो रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। बोले और क्या चाहिए था आपको? बोले नहीं, ये झाड़ू लगाने का काम मुझसे मत छीन लीजिए, ये मेरा चालू रखिए। बोले इससे आपका क्या संबंध है? तो उन्होंने एक घटना बताई, बोले जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिताजी यहाँ झाड़ू लगाते थे, शारदा देवी यहाँ थी, सब गाँव के लोग बुआ कहते थे, कुछ माँ कहते थे, मैं भी बहुत छोटा था पिताजी के साथ आता था, माँ मुझे भी मुरमुरे खाने के लिए देती थी, माँ काम पिताजी हमारे झाड़ू लगाते थे यहाँ पे। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो देखने लगा कि यहाँ तो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, ये अपनी गांव की बुआ कुछ विशेष है क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं। और बड़ा हुआ तो देखने लगा कि कोई ज्ञान मांग रहा है, कोई भक्ति मांग रहा है, लेकिन हम गाँव के गंवार अनपढ़ कुछ समझते ही नहीं, और मैं तो छोटा बालक भी हूँ। तो एक दिन माँ अकेले बैठी थी तो मैं भी माँ के पास चला गया, और माँ के पास जाके मैंने कहा कि माँ हम तो समझते ही नहीं है गाँव के लोग, क्या ज्ञान क्या भक्ति, लेकिन हमारा क्या होगा। ये प्रश्न सबके मन में उठता है, किसी के मन में देर से, किसी के मन में जल्दी उठता है कि इस जीवन के बाद क्या होगा। जिस प्रकार नचिकेता ने पूछा था ना, कुछ लोग मरने के बाद कुछ रह जाता है शेष, और मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, दो धाराएं हैं, दो कॉन्सेप्ट है, कौन सा सही है मैं ही जानना चाहता हूँ। ये हमारे मन में भी होता है, ये प्रश्न उठता है, सबके मन में उठता है, नास्तिक आदमी के मन में भी उठता है। तो ये बालक पूछता है माँ से कि माँ हमारा क्या होगा। माँ कहती है बेटा तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो क्या करूं मैं, मरते दम तक झाड़ू लगाना। अब देखो गाँव का आदमी है, सरल है, विश्वास है, इसी बात को पकड़ लिया उसने कि माँ ने क्या कहा, मरते दम तक झाड़ू लगाना। तो ये कहता है स्वामी जी को, स्वामी जी अब तो मैं जीवित हूं, चल फिर रहा हूं, हो सकता हूं उतना अच्छा झाड़ू नहीं लगा सकता लेकिन झाड़ू तो लगा सकता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं झाड़ू नहीं लगा सकता। तो स्वामी जी ने जब घटना सुनी तो उनको कहा कि ठीक है, तुम भी झाड़ू लगाते रहो, नया आदमी भी झाड़ू लगाता रहेगा। और कुछ काल और बीतने के बाद एक दिन उसकी पुत्री आती है कि स्वामी जी आपको जो है हमारे पिताजी याद कर रहे हैं, अभी सही ऐसाई हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते। स्वामी जी जाते हैं, देखो प्रसन्न मुद्रा में वृद्ध सज्जन जो हैं लेटे हुए हैं, और कहते हैं स्वामी जी को कि माँ ने अपना वादा पूरा किया। कितनी सरलता से, एक सरल विश्वास के कारण, और ये माँ की महत्ता, माँ माने
ये जो अवतारी पुरुष है झूठ नहीं बोलते, ऐसा जान के रखना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने वचनामृत में जो बातें कही हैं वो किसी को खुश करने के लिए नहीं कही। या माँ ने जो लोगों को कहा है कि मैं सत की माँ, असत की माँ, सबकी माँ हूं, ऐसा नहीं उन्होंने हमको खुश करने के लिए या हमारे लिए ऐसे कह दिया कि ठीक है, नहीं, अवतारी पुरुष है वो, अभय दान करने के लिए आए हैं। कि सारी बातें, सारी चीजें ठीक है, पूरी की पूरी ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया ना, निवेदिका भी स्वीकार किया, सारदानंद जी को स्वीकार किया, अमजद खान को भी स्वीकार किया। अमजद एक इतना बड़ा लुटेरा वहां का डाकू, लेकिन माँ के पास आके इतनी सांत्वना पाता है, माँ के काम करता है, खप्पर चीन छा देता है, घर में सब्जी होती है, सब्जी लाके देता है माँ को कि माँ इसको ठाकुर जी के भोग में लगाना। बहुत दिन तक एक बार अमजद आया नहीं, माँ ने पूछा बेटा कहाँ गया था, कहीं बाहर चला गया था, बोले नहीं नहीं एक गाय चुराई थी, पकड़ा गया, जेल में था 3 महीना। इतनी सरलता है और माँ उस सबको स्वीकार करती है, सबका उद्धार, ये अपने जीवन से माँ दिखाती है कि सबका उद्धार करने के लिए मैं आ रही हूँ। और अंतिम में माँ का एक सबसे बड़ा उपदेश जो सारे वेद वेदांत को पार कर जाता है, माँ कहती है यदि हम जीवन में, आखिरी उपदेश में कहती है एक महिला को माँ, बेटी यदि तुम शांति चाहती हो, क्योंकि ये उपदेश उसी के लिए है जो शांति चाहते हैं, जो शांति नहीं चाहते उनको ये उपदेश सुनने की भी जरूरत नहीं है, उनका पारायण करने की भी जरूरत नहीं है। जो आदमी, तो माँ कहती है कि बेटी यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखो। आप कल्पना करो हम दोष किसका देखते हैं, जो अपने से भिन्न है, पराये हैं। खुद का दोष नहीं हम देख सकते, अपने बच्चों का दोष नहीं देख सकते। एक जज जो है दूसरे के बच्चों को फांसी पर चढ़ा देता है न्याय करने से, लेकिन यदि अपने बच्चे का केस उसी के कोर्ट में आ जाए तो वो कहेगा नहीं, मानवता की दृष्टि से एक चांस देना चाहिए। वहां पे उसकी बिल्कुल मानवता आ जाती है, क्यों? क्योंकि अपना है ना, अपने से तो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए माँ कहती है कि यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो किसी का दोष मत देखो, और दोष देखना है तो अपना देखना चाहिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम दूसरों को दोष क्यों ना देखें, क्योंकि इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वेदांत यही तो कहता है कि प्रभु की सत्ता को छोड़ के और किसी की सत्ता है ही नहीं, उनकी सत्ता से हम सत्तावान हो रहे हैं। लेकिन जीव की विडंबना है कि प्रभु को भूल जा रहे हैं और मैं करके जो है अपने को ही सत्तावान समझने लगते हैं। तो माँ ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया कि यदि जीवन में शांति चाहते हो किसी का दोष मत देखो, दोष देखना है तो अपना देखो, क्योंकि इस जगत में कोई भी पराया नहीं है, सबको अपना बनाना सीखो। तो इस तरह माँ का जीवन, इतना सुंदर एक जीवन, मैं तो कहता हूँ कि माँ ने इतनी मेहनत करके, इतना कष्ट करके ये जीवन हमारे लिए जी के दिखाया है कि किस प्रकार सब परिस्थितियों में हम आनंद में रह सकते हैं, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, और इनका सदुपयोग कर सकते हैं। हम लोग कई बार ऐसा मानते हैं कि परिस्थिति के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि परिस्थितियों का सदुपयोग कर सकते हैं। एक मुझे स्मरण आ गया अभी, 16वीं शताब्दी के एक क्रिश्चियन संत हो गए ब्रदर लॉरेंस, उनकी किताबें भी हैं। एक मोनेस्ट्री में सिर्फ खाना बनाते हैं, तो उनको लगा कि मैं खाना तो साधुओं के लिए बनाता हूँ, लेकिन आज से निर्णय लेता हूँ कि साधुओं के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। तो किन के लिए खाना बनाऊंगा? बोले ये खाना मैं जो है प्रभु के लिए बनाऊंगा। खाना तो पहले भी वही बना रहे थे, लेकिन अभी उसकी भावना बदल गई है कि प्रभु के लिए खाना बनाऊंगा। और उस शताब्दी के वो संत डिक्लेयर हुए। एक बार उनको बुखार आया, हम बुखार आने से तो हाय हाय करने लगते हैं, अरे भगवान हमको क्यों बुखार आया, हमारे पड़ोसी को आना चाहिए था, यही भावना रहती है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बुखार आया बहुत अच्छी बात है। बोले इससे फायदा तुमको क्या होगा? फायदा हमको ये होगा कि एकांतवास मिलेगा,
भगवान का ज्यादा स्मरण करने पाए कर सकेंगे भगवान के लिए, क्योंकि हम तपस्या नहीं कर सकते थे, पंचतपा नहीं कर सकते तो बुखार आने से शरीर गर्म हो जाएगा, तपस्या भी होगी। ये पॉजिटिव कैसे आदमी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना के उसका सदुपयोग करना, ये माँ के जीवन में हमको दिखाई देता है। इसलिए माँ का जीवन में कभी भी प्रतिकूलता नहीं है, सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इस प्रकार हम माँ के जीवन चरित्र का अध्ययन करें और उनकी वाणी के अनुसार अपने जीवन में यत किंचित जो धारण कर सके धारण करने का करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।